एससी एसटी एक्ट में संशोधन को लेकर जहां देश भर में दलित समाज रोष प्रदर्शन कर रहा है, वहीं मोगा में इस बंद का असर पूरा देखने को मिला। जहां जिले के सारे बाजार बंद है, वहीं दलित समाज के आगुओं द्वारा अपने हजारों साथियों सहित मोगा शहर में रोष मार्च निकाला और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कई जगह पर ट्रैफिक भी जाम देखा गया। वहीं आज प्रशासन की ओर से पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। वहीं इस मौके मोगा के एडीसी जगविंदर सिंह ने बताया कि सभी अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई है और पुलिस की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गया है। हाँ जी, अज अर्जुन आपके पास अहुदा क्या जथेबंदी का? अज मैं मेरे को जी आदि धर्म समाज का मैं जिला प्रधान हाँ जी। उस दे बैनर तले अज समूह जथेबंदियों वालों अज जिहड़ा रोस प्रगट किया जा रहा पूरे भारत बंद का ऐलान आ, जिस मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिता सी एससी एसटी एक्ट नू ते अत्याचार रोकथाम एक्ट नू पूर्ण रूप नाल बंद करना ते तुरंत गिरफ्तारी ना करनी, उते एसी भाईचारा पूरे भारत विच भड़क चुकिया वा, जिस विच असी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नू अपील करते हैं कि वो एक पूर्ण विचार याचिका लाण ते जिस दे विच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा फैसला लिता उस नू वापस लैण ते जिस दे विच सानू विश्वास दवाण, फिर ये एजिटेशन बंद होगा, नहीं तो गांह जिहड़ा अगला प्रोग्राम साढ़े हाईकमांड वालों आऊगा वो इस तरह ही अज जिहड़ा जिवें मोगा तुसीं देखिया ही आ भी प्रोपर बंद हो चुकिया वा। तो असी दुकानदारों का भी उस धन्नवाद भी करते हैं, उन्होंने अपनी दुकाना बंद रख के अज सानू एक दा सबूत दिता, पर जो तक सानू केंद्र सरकार ते मोदी सरकार सानू विश्वास नहीं दिलाती तो ये एजिटेशन गांव भी चलूगा। अर्जुन जी, जैसे डीएसपी की इंक्वायरी की बात की गई है तो आपको पुलिस की जांच में भरोसा नहीं है? सानू पुलिस के